हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज स्टार्ट करेंगे ट्रिग्नोमेट्रिक, कुछ इंपॉर्टेंट फॉर्मूला जो कि डिफरेंट एंगल पे कितनी वैल्यू होगी वो कैलकुलेट करेंगे। और इससे पहले मैंने ट्रिग्नोमेट्रिक के 4-5 लेक्चर ले रखे, वो जरूर जाके देख लेना। तो आज का सेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, आपके सारे एनडीए, एयरफोर्स, नेवी, कोस्ट गार्ड, एफकैट सारे एग्जाम के लिए मोस्ट रेलिवेंट है। और ये वैल्यू अगर पता होगा तो एग्जाम में सीधा आप टिक मारोगे, आपके बहुत सारे टाइम बच जाएंगे। तो स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। अगर चैनल पे नए हो तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना बिल्कुल ना भूलना। स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो ऑफ मल्टीपल ऑफ एंगल, डिफरेंट एंगल पे कितनी वैल्यू होती है उसको कैलकुलेट ना करते हुए सीधा याद करेंगे और उस वैल्यू को सीधा एग्जाम में फोड़ देंगे। सबसे पहले साइन 15 की वैल्यू बात करते हैं। तो साइन 15 की वैल्यू होती है √3 - 1 2 √2। ये आप याद रख ले, साइन 15 की जो वैल्यू होती है √3 - 1 2 √2। अब बात करते हैं टैन 15 की, साइन के बाद टैन 15 आते हैं। तो टैन 15 की मान होती है √2 - √3। याद रखो, आप जब भी कैलकुलेट करने जाते हो क्या टैन 15, जब भी आपको पूछा जाता है तो आप क्या कहते हैं 60 - 45 करके उसको tan a + tan a - b का फॉर्मूला पे तोड़ते हो, फिर उसे कैलकुलेट करते हो। उतना करोगे टाइम वेस्ट होगा, सीधा याद करो टैन 15 की वैल्यू √2 - √3। उसके बाद बात करते हैं cot 75, cot 75 सेम वैल्यू होगी क्योंकि tan 90 - थीटा क्या होता है, cot थीटा होता है। तो cot 75 की वैल्यू √2 - √3, ये भी दिमाग में याद कर लो। उसके बाद बात करेंगे फोर्थ नंबर cot 15, cot 15 और tan 75, cot 15 और tan 75 दोनों की वैल्यू सेम होती है, उसकी वैल्यू होती है √2 + √3। याद रख लो, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, हमेशा ये सारे फॉर्मूले जो है एग्जाम में सीधा सीधा आपसे क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि साइन 15 की वैल्यू क्या है। कैलकुलेट करोगे तो फिर टाइम ज्यादा लगेगा और ऐसे आप जल्दी से कैलकुलेट कर सकते हो। उसके बाद साइन 18, साइन 18 उसको कॉस 72, क्योंकि 90 - थीटा करेंगे तो कॉस 72 आ जाएगा। कॉस 72 इसकी वैल्यू होती है √5 - 1/4, √5 - 1/4। यहां तक जल्दी से नोट डाउन कर लो, उसके बाद मैं इधर की फॉर्मूला का सारा एक्सप्लेनेशन करूंगा। तो यहाँ पर √5 - 1/4 हो गया। उसके बाद बात करते हैं कॉस 36, कॉस 36 और साइन 54, कॉस 36 और साइन 54 की वैल्यू होती है √5 + 1/4। ये याद रख लो, ये इंपॉर्टेंट है। सारी वैल्यू जो बहुत सारे इंपॉर्टेंट है। उसके बाद कॉस 18 की वैल्यू और साइन 72, कॉस 18 और साइन 72 की वैल्यू होती है √10 + 2√5/4। साइन कॉस 18 और साइन 72 की वैल्यू होती है √10 + 2√5/4। कंफ्यूज मत होना, वहां पर साइन 18 था इसलिए √5 - 1/4 हुआ, यहाँ पे है कॉस 18 इसलिए इसकी वैल्यू होती है √10 + 2√5/4। ये याद कर लेना। वही पूछे आपसे साइन 36 की वैल्यू और कॉस 54 की वैल्यू, कुछ नहीं करना है, बस सेम जहां पॉजिटिव था वहां नेगेटिव लगा देंगे। तो √10 - 2√5/4, √10 - 2√5/4, आसानी से आप समझ गए। उसके बाद बात करते हैं साइन 22½, साइन 22½ एक बार एग्जाम में पूछा गया था एनडीए का सीधा, बच्चे इसमें कंफ्यूज हो गए थे क्योंकि ये फॉर्मूला नीचे उन्होंने √2 - √2/4 कर दिए थे। नहीं दोस्तों, वहां पे 4 नहीं होगा, वहां पर आप सचेत हो जाए, यहाँ पर √2 - √2/2 होता है। उसके बाद कॉस 22½ की वैल्यू, कॉस 22½ की वैल्यू होती है √2 + √2/2। ये दोनों इंपॉर्टेंट है, याद कर लेना। टेन 22½, टेन 22½ की वैल्यू होती है √2 - 1, इसको तो याद बिल्कुल कर ले। और कॉट 22½ की वैल्यू होती है √2 + 1। आपको सबसे इंपॉर्टेंट फॉर्मूला टेन 15 √2 - 3, उसके बाद साइन 18 √5 - 1/4, उसके बाद आपका कॉस 36 पूछा जाता है √5 + 1/4, उसके बाद आपसे पूछा जाता है टेन 22½ का वैल्यू होता है √2 - 1, उसके बाद कॉट 22½ का वैल्यू होता है √2 + 1। आपसे टेन 15 की वैल्यू पूछ दी जाएगी √2 - √3 और कॉट 15 की वैल्यू पूछ दी जाएगी √2 + √3। ये वैल्यू जितने मैंने अभी बताया वो सारे एग्जाम में हमेशा पूछे जाते हैं, तो उसे रिमेंबर कर लेना। उसके बाद बात करते हैं मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यू ऑफ ए साइन थीटा +/-b cos थीटा। ये जो क्वेश्चन है हमेशा मैक्सिमम मिनिमम में पूछा जाता है, लेकिन आपको ट्रिग्नोमेट्री में ये पढ़ना और जानना भी जरूरी है कि मान लीजिए ए साइन थीटा +/-b cos थीटा इस फॉर्मेट पे जब भी आपको मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू बोले तो कैसे आसानी से कैलकुलेट कर लेंगे और बहुत ही कम टाइम में क्वेश्चन को सॉल्व कर लेंगे। तो सबसे पहले मैक्सिमम वैल्यू जब भी पूछे आपसे तो ए स्क्वायर की वैल्यू a² + b² √√, और प्लस में होगा मैक्सिमम में। अगर मिनिमम पूछे तो माइनस
ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, इसके एग्जाम्पल देखते हैं। इधर आओ एग्जाम्पल देखो, सबसे पहले यहाँ पर देख लो, फोर साइन थीटा दे रखा है प्लस सिक्स कॉस थीटा दे दिया। अब इससे मुझसे पूछे कि मैक्सिमम वैल्यू क्या होगी, मैक्सिमम वैल्यू मैक्सिमम क्या हो जाएगा, रूट फोर का स्क्वायर प्लस सिक्स का स्क्वायर, तो इसको कैलकुलेट कर लोगे। मिनिमम पूछेगा तो मिनिमम माइनस फोर का स्क्वायर प्लस सिक्स का स्क्वायर, तो आप आसानी से कैलकुलेट कर सकते हो इजी मेथड में। और सारे वैल्यू याद कर लेना, कल मैं कुछ कुछ वैल्यू आपसे पूछूंगा, वो आप जवाब जरूर देना कमेंट सेक्शन में, सारे वैल्यू लिख के बताने कि आपको ये याद हुआ कि नहीं, और आपको ये सेशन कैसा लगा कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। अगर मेरे चैनल पे नए हो तो लाइक सब्सक्राइब और शेयर बिल्कुल करके जाना। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, फिलहाल इतना ही। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।